नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर मीना सोलंकी। बच्चों, आज हम कक्षा फर्स्ट में पढ़ेंगे पाठ 16, लालची कुत्ता। तो आओ शुरू करें। एक टॉमी नाम का कुत्ता था। तो बच्चों, एक कुत्ता था, उस कुत्ते का क्या नाम था? टॉमी। उसे कहीं से एक रोटी मिल गई। तो उसे, जो टॉमी कुत्ता था, उसको क्या मिली? कहीं से एक रोटी मिल गई। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, कहीं अकेले बैठकर रोटी खाऊंगा। तो बच्चों, जब उसे टॉमी, जो कुत्ता है, उसको कहीं से रोटी मिल गई, तो उसे वह खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि ये रोटी तो मुझे मिल गई है, अब मैं इसे अकेले बैठकर कहीं खाऊंगा। यही सोचकर वह अपनी धुन में जा रहा था। तो मतलब रोटी मिली, जब उसको कुत्ते को रोटी मिली, तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और यही सोचता सोचता वो अपनी धुन में जा रहा था। रास्ते में उसे एक नदी मिली। तो बच्चों, जब वो टॉमी जा रहा था रोटी लेकर, तो रास्ते में उसे क्या मिली? एक नदी मिली, जिसके ऊपर छोटा सा पुल बना हुआ था। तो बच्चों, नदी मिली, नदी के ऊपर क्या था? पुल बना हुआ था, जिससे क्या है, नदी को पार कर सके। रोटी को मुंह में दबाए टॉमी जैसे ही पुल के ऊपर आया कि अचानक उसका ध्यान पानी की ओर गया। तो जो बच्चों, रोटी को मुंह में दबाए, जब टॉमी जैसे ही पुल के ऊपर आया, तो अचानक क्या हुआ, उसका ध्यान कहाँ गया? पानी की ओर गया। मतलब उसके जो, उसने क्या देखा? नदी, नदी में देखा। उसे पानी में अपनी परछाई नजर आई। तो जब उसने पानी में देखा, तो उसने क्या देखा? जो वो खुद है, उसका खुद का सोम की क्या दिखी उसको? अपनी परछाई दिखी। परछाई यानी छाया। टॉमी को खुद की क्या दिखी नदी में? अपनी छाया नजर आई। टॉमी ने सोचा कि इस कुत्ते के मुंह में भी एक रोटी है। तो बच्चों, टॉमी ने खुद की क्या देखी? नदी में अपनी छाया देखी। तो टॉमी ने क्या सोचा कि जो नदी में कुत्ता है, इसके मुंह में भी क्या है? एक रोटी है। अगर मैं इस कुत्ते से रोटी छीन लूं, तो मेरे पास दो रोटियां हो जाएंगी। तो टॉमी ने क्या सोचा कि जो नदी में कुत्ता है, इसके मुंह में भी क्या है? एक रोटी है। अगर मैं इस कुत्ते से भी, ये कुत्ते के पास जो रोटी है, अगर ये रोटी इससे मैं छीन लूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगी? दो रोटियां हो जाएंगी। टॉमी ने परछाई वाले कुत्ते को घूरा, तो उसे लगा कि वह कुत्ता भी उसे घूर रहा है। तो टॉमी कुत्ते ने क्या किया? जो गुस्से से उसकी तरफ, जो नदी में कुत्ते की जो परछाई दिख रही थी, उसके सामने उसने गुस्से से देखा या घूरा। तो टॉमी को क्या लगा कि जो वह नदी वाला कुत्ता है, वह भी उसे क्या देख रहा है? गुस्से से देख रहा है या उसे घूर रहा है। मानो वह भी उसकी तरह ही दोनों रोटियां लेना चाहता हो। तो टॉमी ने क्या सोचा कि जो मैं इसको घूर रहा हूँ, गुस्से से देख रहा हूँ, तो जो नदी वाला कुत्ता है, वह भी मुझे गुस्से से देख रहा है। मतलब टॉमी क्या चाहता था कि मैं नदी, जो नदी की वो कुत्ता है, उसकी रोटी मैं छीन लूं, और नदी वाला कुत्ता क्या सोच रहा था कि जो टॉमी की रोटी है, मैं छीन लूं। ऐसा टॉमी सोच रहा था। टॉमी कुछ आगे बढ़ा। तो बच्चों, टॉमी क्या हुआ, जो पुल के ऊपर था टॉमी कुत्ता, थोड़ा पुल से क्या हुआ, पुल पर थोड़ा आगे बढ़ा, यानी आगे चला पुल पर। उसने देखा कि नीचे वाला कुत्ता भी आगे बढ़ रहा है। तो जो टॉमी जब पुल पर धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो उसने क्या देखा, जो नीचे जो परछाई थी, वह भी क्या आगे बढ़ रही थी। तो उसने क्या सोचा कि जो कुत्ता है नदी वाला, वह भी क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे वह उसका पीछा कर रहा हो। तो टॉमी ने क्या सोचा कि ये कुत्ता क्या कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, आगे बढ़ रहा है। अब टॉमी को पूरा भरोसा हो गया कि दूसरा कुत्ता उसकी रोटी छीनना
चाहता है। तो अब टॉमी को क्या हो गया, पूरा भरोसा यानी उसको यकीन हो गया पूरा कि जो नदी वाला कुत्ता है या दूसरा कुत्ता ये मेरी रोटी को क्या करना चाहता है, मुझसे छीनना चाहता है। टॉमी ने दूसरे कुत्ते से रोटी छीनने के लिए पानी में छलांग लगा दी। तो बच्चों टॉमी ने क्या किया, दूसरे कुत्ता या जो नदी वाला कुत्ता था, नदी में उसकी परछाई दिख रही थी, तो वो क्या सोचा था, ये दूसरा कुत्ता है। तो टॉमी ने उस दूसरे कुत्ते से रोटी छीनने के लिए क्या किया, पानी में छलांग यानी छलांग मतलब पानी में कूद गया। पानी में कूदते ही परछाई मिट गई। तो जब वो टॉमी कुत्ता पानी में कूदा तो जो परछाई जो उसकी खुद की जो परछाई दिख रही थी, छाया दिख रही थी, वो क्या हुआ, मिट गई। और उसके मुंह में दबी रोटी पानी में बह गई। तो उसके मतलब किसके, टॉमी के। जो टॉमी ने अपनी रोटी मुंह में पकड़ रखी थी, जब उसने छलांग लगाई तो क्या हुआ, जो उसके मुंह में उसने रोटी पकड़ रखी थी वो रोटी पानी में बह गई। मूर्ख टॉमी ने लालच में पड़कर अपनी रोटी भी गवा दी। तो जो टॉमी क्या था, मूर्ख था, उसने क्या किया, लालच यानी लोभ में पड़कर, लोभ कैसा कि मतलब जो ये पानी वाला कुत्ता है इसकी रोटी भी अगर मैं ले लूं तो मेरे पास दो रोटी हो जाएगी। तो इसी लालच में उसने क्या किया, अपनी खुद की रोटी भी गवा दी। लालच का फल बुरा होता है। तो बच्चों लालच का फल कैसा होता है, लालच का फल हमेशा क्या होता है, बुरा होता है। किसी ने सच ही कहा है, लालच बुरी बला है। तो बच्चों किसी ने क्या कहा है कि लालच क्या है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि लालच क्या है, लालच बुरी बला है। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हम लालच करने से हाथ आई वस्तु भी निकल जाती है, इसलिए कभी भी हमको लालच नहीं करना चाहिए। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। आइए बच्चों अब हम करते हैं शब्दार्थ। तो देखो सबसे पहला शब्द क्या है, अचानक। अचानक, अचानक का अर्थ क्या होता है, एकाएक। क्या होगा अचानक का अर्थ, एकाएक। अगला शब्द है भरोसा। क्या है, भरोसा। अब देखो भरोसा, भरोसा, भरोसे का अर्थ क्या होगा, यकीन। अगला शब्द है लालच। लालच मतलब लोभ। क्या होगा लालच का अर्थ, लोभ। अगला शब्द है फल। क्या है, फल। फल का मतलब क्या होगा, नतीजा। अगला शब्द है धुन। धुन का मतलब लगन। क्या होगा, लगन। बच्चों अब हम करते हैं पहला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखते हैं पहला सवाल, किस चीज को मुंह में दबाकर टॉमी पुल के ऊपर आया। तो बच्चों जब टॉमी पुल के ऊपर आया तो उसके मुंह में क्या था, तो देखते हैं पहला विकल्प क्या है, रोटी, दूसरा बिस्कुट और तीसरा हड्डी। तो बताओ बच्चों सही उत्तर कौन सा है, रोटी, क्योंकि उसके मुंह में क्या थे, टॉमी के मुंह में रोटी। तो ये हमारा जो अ विकल्प है सही है। अगला सवाल, टॉमी को पानी में किसकी परछाई दिखी। परछाई मतलब छाया। तो टॉमी ने जब पानी में देखा तो उसको किसकी परछाई दिखी, बंदर की, बिल्ली की, कुत्ते की। किसकी परछाई दिखी थी, कुत्ते की। तो सौ विकल्प है बच्चों ये सही है। अगला सवाल है, टॉमी के मुंह में दबी रोटी किसमें बह गई। तो देखते हैं पहला विकल्प है पानी में, दूसरा विकल्प आंधी में और तीसरा विकल्प है हवा में। तो बताओ बच्चों जो टॉमी के मुंह में दबी रोटी थी किसमें बह गई, इसका उत्तर क्या है, अ पानी में। तो हमारा जो अ विकल्प है सही है। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न संख्या दो, रिक्त स्थान भरिए। इसमें पहला सवाल क्या है, लालच का फल खाली जगह होता है। तो
तो इसमें क्या आएगा बच्चों, लालच का फल कैसा होता है, इसमें आएगा बुरा, बुरा। लालच का फल कैसा होता है, बुरा। तो लालच का फल बुरा होता है। अगला सवाल, खाली जगह में कूदते ही परछाई मिट गई। तो बच्चों जो टॉमी है किसमें कूदा था, तब उसकी परछाई मिट गई थी, तो इसमें क्या आएगा, पानी, पानी। तो देखो पानी में कूदते ही परछाई मिट गई। अगला सवाल, कुत्ते ने नदी में अपनी खाली जगह देखी। तो जब कुत्ते ने नदी में देखा तो उसको क्या दिखा, उसको क्या दिखा, खुद की परछाई दिखी। तो बच्चों इसमें क्या आएगा, परछाई। तो देखो कुत्ते ने नदी में अपनी परछाई देखी। अगला सवाल, मूर्ख टॉमी ने खाली जगह में पढ़कर अपनी रोटी भी गवा दी। तो बच्चों जो टॉमी था, टॉमी ने किसमें पढ़कर अपनी जो अपनी खुद की रोटी वो भी गवा दी, तो इसमें क्या आएगा, लालच, ला ल च। तो देखो मूर्ख टॉमी ने लालच में पढ़कर अपनी रोटी भी गवा दी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखो बच्चों इसमें कुछ वाक्य दे रखे हैं, हमको जो वाक्य सही है उस पर सही का चिन्ह और जो गलत है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल, टॉमी की रोटी पानी में बह गई। तो बच्चों बताओ ये वाक्य हमारा सही है, टॉमी की रोटी किसमें बह गई थी, पानी में, तो ये वाक्य हमारा सही है। अगला सवाल, टॉमी कुत्ते को भूख नहीं थी। तो क्या टॉमी कुत्ते को भूख नहीं थी, भूख थी तभी तो वो रोटी लेकर गया कि कहीं मैं अकेले बैठकर इसको खाऊंगा, तो ये वाक्य क्या है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि क्या थी, टॉमी को भूख थी, तो ये वाला वाक्य क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि टॉमी कुत्ते को भूख नहीं थी, क्या थी उसको भूख। देखते हैं अगला सवाल, टॉमी कुत्ते को नदी में अपनी परछाई दिखी। तो ये वाक्य है सही है, टॉमी कुत्ते को क्या नदी में अपनी परछाई दिखी थी, तो हाँ ये वाक्य सही है, क्योंकि टॉमी ने क्या दिखा था, खुद की परछाई नदी में देखी थी, तो ये वाला वाक्य सही है। अगला सवाल, टॉमी को एक लड़के ने दो रोटियां दी। तो बच्चों क्या टॉमी को एक लड़के ने दो रोटियां दी थी, नहीं, टॉमी को तो क्या रोटियां मिली थी, वो भी कितनी मिली थी, एक, और इसमें क्या बोल रहा है कि टॉमी को एक लड़के ने दो रोटियां दी, ये वाक्य क्या है, ये वाक्य गलत है, इस पे लगाएंगे गलत का चिन्ह। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला सवाल क्या है, टॉमी को क्या मिला। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि टॉमी को क्या मिला, तो बच्चा इसका उत्तर क्या होगा, टॉमी को एक रोटी मिली, टॉमी को क्या मिला था, एक रोटी मिली थी। अगला सवाल, रोटी मिलने पर टॉमी ने क्या सोचा। तो बच्चों जब टॉमी को रोटी मिली तो उसने क्या सोचा, इसका उत्तर होगा, रोटी मिलने पर टॉमी ने सोचा कि मैं इस रोटी को कहीं अकेले बैठकर खाऊंगा। क्या सोचा उसने कि टॉमी जब रोटी मिली टॉमी को तो उसने क्या सोचा कि मैं इस रोटी को कहीं अकेले बैठकर खाऊंगा। अगला सवाल, प्रस्तुत कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो जो कहानी हमने पढ़ी लालची कुत्ता, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, तो इसका उत्तर होगा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच का फल बुरा होता है। तो बच्चों लालच का फल कैसा होता है, बुरा होता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है
कि लालच का फल कैसा होता है? बुरा होता है, इसलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 5। पाठ में आए उ की मात्रा वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो जो बच्चों हमने पाठ पढ़ा लालची कुत्ता, इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द है जो छोटे उ की मात्रा से बने हैं? हमको क्या करना है, जो शब्द आए छोटे उ की मात्रा से बने उनको छांटकर लिखना है। तो देखो कौन कौन से शब्द है। सबसे पहला शब्द है कुत्ता। क्या है? कुत्ता। अब देखो क के नीचे किसकी मात्रा है? छोटे उ की। और ये हमसे क्या पूछ रहा है कि जो छोटे उ की मात्रा है, जो इस पाठ में शब्द आए हैं उनको हमको छांटकर लिखना है। तो हमारा पहला शब्द क्या मिला? कुत्ता। दूसरा धुन। धुन। अब द के नीचे देखो किसकी मात्रा है? छोटे उ की। अगला शब्द है मुंह। मुंह। म के नीचे किसकी मात्रा है? छोटे उ की। अगला शब्द है खुशी। क्या शब्द है? खुशी। और बच्चों ख के नीचे किसकी मात्रा है? छोटे उ की। अगला शब्द है पुल। क्या शब्द है? पुल। और प के नीचे भी किसकी मात्रा है? छोटे उ की। अगला शब्द है बुरा। अब देखो ब के नीचे किसकी मात्रा है? छोटे उ की। आइए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 6। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। इसमें क्या करना है, जो ये शब्द दे रखे हैं हमको क्या करना है, जो इनका ये शब्द है इनका उल्टा शब्द लिखना है। तो बच्चों देखो पहला शब्द क्या है? गिरना। क्या शब्द है? गिरना। अब गिरना, गिरना शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? उठना। तो इधर हम क्या लिखेंगे? उठना, उठना। अगला शब्द है खुश। क्या शब्द है? खुश। अब खुश का उल्टा क्या हो जाएगा? तो इधर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ना खुश। तो खुश शब्द का क्या बना? ना खुश। या हम क्या कह सकते हैं? नाराज। नाराज। अगला शब्द है छोटा। अब छोटा का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? बड़ा। बड़ा। तो छोटा, छोटा शब्द का उल्टा क्या हो गया? बड़ा। अगला शब्द है मूर्ख। क्या शब्द है? मूर्ख। अब बच्चों मूर्ख, मूर्ख शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? चतुर। चतुर, चतुर या बुद्धिमान। तो इधर हम लिखेंगे बुद्धिमान। तो क्या हो गया मूर्ख शब्द का उल्टा? चतुर या बुद्धिमान। अगला शब्द है आगे। अब आगे का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? आगे का उल्टा शब्द होगा पीछे। क्या होगा? पीछे। अगला शब्द है नीचे। अब नीचे का उल्टा क्या हो जाएगा? ऊपर। 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 धन्यवाद।